नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। जी हाँ, एक बंगले को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतनी दूर तक चली गई कि कई लोगों का बंगला खाली करना पड़ेगा। जी हम बात करें तेजस्वी यादव की बंगले की। उस मामले में हाईकोर्ट में मामले गए तो मामले सामने आ गए, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को जो बंगला दिया जा रहा है उस पर चर्चा होने लगी और फिर हाईकोर्ट सो मोटो कॉन्ग्लिजेंस ले ली और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जरा इस खबर को देखिए फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। पटना हाईकोर्ट के एक फैसले ने जहां पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास से तो वंचित कर ही दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाली विशेष सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी संकट पैदा कर दिया है। दरअसल कोर्ट के इस फैसले से राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, सतीश प्रसाद सिंह, जगन्नाथ मिश्रा और जीतन राम मांझी को अब वो बंगला खाली करना होगा। इतना ही नहीं, इनमें लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद सिंह ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अभी ना तो विधायक हैं ना ही सांसद। ऐसे में इनके लिए अब सरकारी आवास में रहना संभव नहीं। तो दूसरी ओर राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी विधायक के रूप में दूसरा सरकारी बंगला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास दिए जाने का फैसला सबसे पहले लालू के शासनकाल में हुआ था, जिसमें उन्होंने 2 साल तक मुख्यमंत्री रहने वालों को ये सुविधा प्रदान की थी, लेकिन बाद में इसे भी खत्म कर दिया गया। फिर जीतन राम मांझी के कार्यकाल में फिर से ये सुविधा बहाल की गई और इसमें कार्यकाल की सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिस वजह से बिहार में केवल 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले सतीश प्रसाद सिंह को भी आजीवन ये सुविधा मिली। पूर्व मुख्यमंत्री बेकार नहीं होते हैं। पब्लिक लाइफ में, डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री की महत्ता पूर्व मुख्यमंत्री रूप में रह जाती है, क्योंकि संपर्क बहुत बढ़ जाता है उनका राज्यभर का। इसी ख्याल से उनको सुविधा में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, तो कोर्ट का मामला है। अब इस पूरे प्रकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का क्या कहना है, सुनते हैं। न्यायालय के आदेश के बाद बिहार सरकार का आदेश आना होता है। बिहार सरकार जिस दिन आदेश दिया कि इतना दिन में खाली करना है, बिना समय गंवाए इस कमला को खाली हम कर देंगे, मकान को। मकान से मेरा कोई लस्ट नहीं है, लेकिन एक बात है कि हम अभी विधायक भी हैं। विधायक को सामान्यतः आवासन की सुविधा दी जाती है और जो 7वां बार विधायक हम हैं तो उस हिसाब से भी मेरा जो स्टेचर है उसके आधार पर भी बिहार सरकार मान करेगी। हम समझते हैं कि कोई भी बिहार सरकार मकान देगी तो इसी से बढ़िया मकान देगी, क्योंकि 7वां बार हम विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास के अलावा एक सरकारी गाड़ी और 6 सुरक्षा कर्मी भी गाड़ी के साथ उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा निजी सचिव समेत 8 कर्मचारी अलग। इतना ही नहीं, पटना से बाहर जाने पर अन्य सुविधाएं अलग से, और वो भी जीवन भर। ऐसे में एक झटके में सारी सुविधाओं का चला जाना इन नेताओं के दिल को कचोट रहा है। कशिश के लिए अशोक मिश्र की रिपोर्ट, पटना। तो आपने देखा कि उस वजह से जो पीआईएल दायर हुई, मतलब जनहित याचिका में जो सुनवाई हुई, आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। स्वाभाविक तौर से पहले से तय था, क्योंकि इस तरह के मामले में यूपी और राजस्थान में जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए थे, तो ये तय माना जा रहा था कि बिहार में भी यही चीज़ लागू होगी। और यही वजह रहा कि नीतीश कुमार पहले ही अपने जिस बंगले की बात कही जा रही थी, वो आज चीफ सेक्रेटरी का बंगला है। लेकिन वजह जो भी रहा हो, फिलहाल इस फैसले का असर जगन्नाथ मिश्रा और सतीश प्रसाद को पड़ता हुआ दिख रहा है। आगे देखिए क्या होता है।